तो और मैंने क्यों भाई, वो क्या हाल चाल आप लोग बताओ कि सब लोग बढ़िया होंगे। और गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले कि भाई कितना पॉइंट पे अभी कॉइन कर रहा मिल रहा है। तो फिलहाल तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग अभी रोटेशन ले रहे हैं, क्योंकि भाई देखो कि अभी हैकर बहुत आना कम हो चुके हैं, मतलब कि हैकर ना के बराबर आ रहा है। इस पर से हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि भाई जोन के अंदर आराम से जा पा रहे हैं। मतलब पहले तो क्या हो रहा था कि भाई जोन के अंदर जाना भी मुश्किल हो चुका था, बट अभी क्या हो रहा है कि भाई आप लोग आराम से जा सकते हो और आराम से जाकर आप लोग सेंटर में भी होल्ड कर सकते हो। पर इस गेम में मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ क्या होता है देखो, मतलब कि इस गेम में मेरे साथ ऐसा कुछ होता है कि भाई आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, मतलब कि बहुत ही गलत ही सीन होता है। अब यहाँ पर मेरे टीममेट के साथ गलत सीन होता है कि उसका बग गिफ्ट पलट जाता है, इसी वजह से उसको मैं पिकअप करने के लिए आता हूँ और तभी मेरे साथ क्या होता है देखो भाई साहब, देख सकते यार क्या ही इस बंदे ने एकेएम से मुझे उतारा है और क्या ही इस बंदे ने मुझे मारा है, मतलब कि नॉक फिनिश इंस्टेंट कर दिया। और इसी वजह से यहाँ पर देख सकते हो कि टीममेट भी मेरा बचा हुआ अभी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्क में बचा हुआ है। अब यहाँ पर पता नहीं कि मुझे बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ पर रिकॉल सेंटर में भी जा सकते हैं, रिकॉल भी कर सकते हैं, पर अभी इसका मतलब मेन जो चैलेंज है ना वो है कि भाई बग उठा के यहाँ से भागना, क्योंकि ये बंदा जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल में उतर, मतलब गलत ही उतर रहा है। अब कुछ है अगर बचे हैं जो कि भाई अभी जल्दी बैन हो जाएगा ये भी, बट अभी देख सकते हो कि भाई अभी रिकॉल करने के लिए जा रहा है। और इसके बाद सोचो कि आप लोग क्या होने वाला है भाई, पूरा रस होने वाला है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में क्लिप देख ही लिया होगा कि भाई मैंने कैसे कैसे रस कर रहा था, और बिल्कुल आपको ऐसे ही गेम प्ले देखने को मिलेगा। आप लोग सिर्फ थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो और देख सकते हो कि अभी आप रिकॉल करने जा रहे हैं और कोई भी बंदा नहीं था लकीली, और इसी वजह से मेरा टीममेट जो अभी कर देगा आराम से। फिलहाल तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कितना पॉइंट पे कौन कर रहा मिल रहा है। तो देखो सोलो की अगर मैं बात करूँ ना, तो सोलो की अगर कौन कर बात करूँ तो भाई बहुत ही कम पॉइंट बढ़ रहा है। मैंने अभी जितना ध्यान दिया ना, बहुत ज़्यादा कम पॉइंट बढ़ रहा है अभी। देखो तो भाई 4665 पॉइंट जो है अभी टॉप 100 बंदे का है, मतलब कि आपको 4600 पॉइंट पर कौन कर मिल जाएगा अगर आप लोग 2-3 दिन के अंदर कौन कर करते हो। तो सोलो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको डुओ में कौन कर करना है तो देखो, डुओ में अगर आपको कौन कर करना है तो आज से लेकर ना आपको 3 दिन का मतलब कौन कर पॉइंट बताता हूँ। तो देखो 5100 पॉइंट पर आपको कौन कर मिल जाएगा अगर आप लोग 3 दिन के अंदर कौन कर पाते हो। तो आप लोग 3 दिन के अंदर अगर कौन कर पाते हो तो आपको 5100 पॉइंट पे कौन कर मिल जाएगा। टीपीपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो मेरा 2200 रैंक चल रहा है, तो उसमें भी आप लोग ध्यान देना और कितना मेरा पॉइंट हो चुका है अभी तक। अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं भाई स्क्वाड की, तो स्क्वाड की बहुत ही मतलब उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है जितना कि भाई हर सीजन होता है, क्योंकि अभी तक 6000 पॉइंट से भी ज्यादा मतलब ऊपर चला जाता, बट इस सीजन उतना पॉइंट नहीं गया। पता नहीं यार इतना कम मतलब पॉइंट दिख रहा मुझे अभी, बट कोई ना, अगर आप लोग स्क्वाड में रैंक पुश कर रहे हो तो आपको भी मतलब बहुत ही खुशखबरी होगा, क्योंकि अभी हैकर भी बहुत ज़्यादा बैन हो रहे हैं और इसी वजह से आपको कंपटीशन भी बहुत कम मिलेगा। इसलिए आप लोग अभी के टाइम पर आप लोग रैंक पुश कर सकते हो। अगर आप लोग रैंक पुश नहीं कर रहे तो भाई पूरा दिन खेल लो, क्या पता यार आज तो हैकर नहीं आ रहा लेकिन कल को फिर से हैकर आना स्टार्ट हो जाए। इस वजह से आप लोग पहले ही खेल लेना। अब यहाँ पर हम लोग अभी कैंप करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई हैकर है तो हैकर के अगेंस्ट क्या ही कर लोगे। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत सर्वाइव करने का सोच रहा था, बट इस गेम में ना मैं जो ही नेक्स्ट लेवल चिकन निकाला वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई कैसे कैसे चिकन निकाला है। अब भाई मैंने इस गेम में ना बहुत ही बंदों को मारा है, मतलब घिसट घिसट के पेला है। तो यहाँ पर देख सकते अभी क्या हो रहा था कि इधर उधर मैं चेक कर रहा था, क्योंकि जोन कट रहा था ना, तो सब लोग बंदे अभी आने वाले जोन के अंदर, इसी वजह से मैं चेक कर रहा था इधर उधर का। और इसी टाइम पर मेरे टीममेट के ऊपर एक बग आ जाता है, और भाई यहाँ पर क्या होता है कि मेरा टीममेट बोल रहा होता है कि दो बंदा था जो कि भाई एक को मारने के बाद ऑल डेड कैसे हो गया। तो मैंने बोला कि यार एक ही तो था, मतलब कि मुझे लग रहा है कि ये बंदा जो है ना दूसरा इसका बंदा था, वो बंदा कूद के गिर गया होगा, मतलब कि गिर के वो नॉक हो गया होगा और मेरे टीममेट को उसने नॉक कर दिया कुचल के। अब यहाँ तो मैंने उसको मार दिया दूसरे वाले बंदे को, तो भाई यहाँ पर हो चुका है ऑल डेड। अब यहाँ पर मेरा देख सकते 3 किल हो चुका है, और भी अभी किल निकालने वाला, बहुत ही नेक्स्ट लेवल किल निकालने वाला हूँ, 1v3 की भी करने वाला हूँ, तो वो चीज़ देखना। अभी तो यहाँ पर मेरा लूट जो है सारा कुछ कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि भाई इस बंदे ने यार जो ही लूट रखा था अपने पास। अब यहाँ पर मैं अभी से किल निकालना स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास 6th भी आ चुका है। इसी वजह से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक बंदा फाइट ले रहा था नीचे से, और इसी बंदे को मैं देख लेता हूँ पूरा एकदम ओपन में, और इसी बंदे को मैं कैसे फेलूंगा देखना। भाई साहब इस बंदे को मैं जो ही नॉक फिनिश डाला हो ना, मतलब कि ये बंदा BRDM के पास था, और इस बंदे को आराम से मैं पेल देता हूँ। और ये जो घर पर बंदे ना इनको भी मारना है, बट इसके साथ तो भाई लास्ट में जाकर फाइट होने वाला है। बट यहाँ से हम लोग को अभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि जोन जो है अभी 22 सेकंड में स्टार्ट होने वाला है। इसी वजह से हम लोग यहाँ से निकल लेते अपना बग्गी लेके, और दो बग्गी था तो कोई भी दिक्कत नहीं था। अभी यहाँ पर भाई दोनों बग्गी लेके अपन जा सकते थे जोन के अंदर। अब यहाँ तो हम लोग अभी जोन के एज पे बैठे थे, इसी वजह से यहाँ पर डर लग रहा था कि भाई कोई ऊपर से बंदा ना आ जाए। इस वजह से यहाँ पर मैं अपना शील्ड जो है एक बेस्ट कर देता हूँ, बट इस शील्ड का कुछ फायदा होगा नहीं। अब भाई बहुत देर तक रुकने के बाद भी ना यहाँ पर कोई भी बंदा आ नहीं रहा था, इस वजह से हम लोग खुद जा रहे थे बंदे के ऊपर रेस्ट करने। मुझे एक बंदा थोड़ा सा दिख रहा था जो कि भाई घरों की तरफ से वो लोग आ रहे थे, और इस वजह से उसको मैं स्प्रे लेता, और मुझे लग रहा था कि भाई ये बंदा फंस चुका है मतलब गलत तरीके से। इस वजह से यहाँ पर मैं आता हूँ,
और भाई ये बंदा मतलब कि स्प्रे ले रहा है, मतलब कि भाई इतना दूर का आप देख सकते हो यार, कितना दूर वो बंदा है फिर भी मेरे ऊपर स्प्रे ले रहा है। और इसको तो मैं अभी टैप टैप करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बंदा शील्ड के पीछे चला जाता है और इसी वजह से ये बंदा बच जाता है। अब यहाँ पर मुझे एक बंदे का मतलब ध्यान था कि ये बंदा तो इधर से आने वाला है, इस वजह से इधर का मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान था। अब यहाँ पर मुझे जॉन की तरफ भी जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले पर इस बंदे को मैं मारने का सोच रहा था। और तभी मेरे टीममेट को देख सकते कि क्या ही गलत तरीके से नॉक कर चुका है, मतलब कि भाई इस बंदे ने भाई बहुत ही दूर से मारा इस बंदे ने। अब ऐसे ही मैं फायर कर रहा था मेरे अपने टीममेट को बचाने के लिए। अब यहाँ पर मुझे भी शील्ड लगाना पड़ेगा। पता नहीं यार बंदा, ये बंदा गलत ही लेवल का मतलब इस पर ले रहा था, पता नहीं यार डेजिट है क्या है, बट जो भी यार इसको तो मैं बचा लेता अपने टीममेट को। अब यहाँ पर फटाफट से रिवाइव करते और भाई चलते हैं जोन के अंदर, क्योंकि अभी देख सकते कि 10 सेकंड का टाइमर है जो कि भाई इसके बाद फिर पूरा एकदम डेड जोन बनने वाला है। पर मेरा टीममेट बोल रहा है कि भाई जो सामने पेड़ है इसके ऊपर भी जा सकते हैं, इसी वजह से अब मैं चला जाता हूँ। पर यहाँ पर मुझे कोई भी एक भी कवर नहीं मिल रहा था, मेरे पास शील्ड भी नहीं था। अब यहाँ पर मुझे इस साइड से पड़ रहा था, इस वजह से यहाँ पर मैं स्मोक भी कर देता हूँ और मेरा टीममेट जो है शील्ड लगा देता। लकीली एक शील्ड था, इसी वजह से ना इस शील्ड की वजह से पूरा का पूरा हमारा गेम चेंज हो चुका था, क्योंकि भाई इस शील्ड की वजह से ना हम लोग अभी यहाँ पर जीतेंगे, वरना यहाँ पर हारने वाले थे। इस बंदे ने UMP से उतना दूर का नॉक कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि भाई किस बंदे ने मुझे नॉक किया, अभी भी मुझे नहीं पता। इस वजह से यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मतलब अपना हेल्थ लगाता हूँ और स्मोक भी करने के लिए बोलता हूँ। पूरा एकदम हम लोग को खुद नहीं दिख रहा था कि भाई कौन सा बंदा कहाँ पे, पर यहाँ पर अपना स्मोक करके यहाँ पर अपना बचने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर देखते मुझे जोन के अंदर भी जाना पड़ेगा, पर उससे पहले यहाँ पर मुझे बंदे का फुटस्टेप आता जो कि वह लेफ्ट साइड से आ रहा था और मेरे टीममेट बोल रहा था कि उधर ही बंदे। अब इस बंदे का मुझे गलत ही सीन लग रहा था, इस वजह से यहाँ पर मैं क्या कर रहा था कि भाई फाइट नहीं रह रहा था इस बंदे के ऊपर। अब यहाँ पर तो मैं जैसे तैसे अपने टीममेट को रिवाइव भी कर देता हूँ और यहाँ पर हेल्थ भी लग जाएगा। पर भाई इस बंदे को मैं जो ही रिफ्लेक्स दिखाता और भाई इस बंदे को मैं मार देता हूँ आराम से। और इसका मतलब कि नाम जो है मतलब पहले से मुझे सुना सुना लग रहा है कि ये बंदा पहले भी मेरा मैच में आ चुका था, बट कोई ना गाइस इसको तो मैं फेल देता हूँ। अब यहाँ पर और भी बंदे आने वाले जो कि भाई लास्ट के दो बंदे बचे हुए हैं। और यहाँ पर क्या होता है मेरे साथ देखो भाई, ऑन HP में बचाऊँ और यहाँ पर मैं जो ही क्लच करने वाला हूँ देखना। सबसे पहले तो इस बंदे को मैं नॉक करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे नीचे एक बार बंदा दिख रहा था और भाई इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से ना ये बंदा मारा जाता है, वरना ये बंदा नेट करके भी मार सकता था। अगर यहाँ पर ऊपर से अगर बंदे आ जाते ना, मतलब ऊपर से दोनों एक साथ आते तो भाई आराम से क्या पता है ये बंदा नेट करके मार देता हम दोनों को। बट इस बंदे ने ये नूब बंदी किया कि ये बंदा पूरा एकदम नीचे से घूम कर रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मतलब कि 35 का आसपास प्लस मिला है, मतलब 35 का तो नहीं 33 का प्लस मिला है, तो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्लस होता है। आई होप कि आपको ये मतलब पसंद आया होगा। अगर कोई को मतलब पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कौन करेगा पॉइंट बता दिया, आप लोग वीडियो में कहीं पर भी चेक कर सकते हो। और गाइस इस वीडियो में इतना था, मिलते हुए किसी नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।